मंडला जिले के नेवास विकास खंड के अंतर्गत हरी सिंघौरी रैयत गांव है, जहां पर प्राथमिक शाला में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शाला में मिलने वाली सुविधाओं से बच्चे वंचित थे, जिसको लेकर मैंने वर्ष 2013 में एक समस्या वीडियो बनाया और बदलाव के लिए प्रयास किया। आइए जानते हैं 9 वर्ष बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। मैडम जी, आपने हमारे स्कूल के जो समस्या को लेकर वीडियो बनाई थी, अब उस वीडियो बनाने के पश्चात आपके फॉलोअप हुआ, जिसके तहत हमारे यहाँ शौचालय सुविधा, बिजली कनेक्शन सब हो गए और रसोईया का भी मरम्मत हो चुका है, सब ठीक है। अब बाउंड्री वॉल है तो बाउंड्री वॉल अपने कार्रवाई में है, जब बाउंड्री वॉल का इलाज शासन के द्वारा हो जाएगा तो वो भी बन जाएगा। आपके स्कूल में क्या क्या सुविधा हो गई बताइए? नल लग गया है, पंखे लग गया है, बिजली लग गया, बिजली लाइट लग गया और बालिका शौचालय लग बन गया है। आप दूर नहीं जाना पड़ता? नहीं, अभी शौच के लिए कहाँ जाते हैं? शौचालय। ये हमारे गांव में आए थे, पहले वीडियो लेकर गए स्कूल के चारों तरफ का गांव का माहौल देख के, और तब से हमारा गांव का शौचालय और पानी वगैरह पाइपलाइन भी अभी उपलब्ध हो चुका है, और मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जो लोग आपको मदद किए हैं, जैसे अधिकारी हैं और वीडियो वॉलंटियर हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जो अधिकारी हमारे विभाग के मदद किए हैं मैडम जी, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। समुदाय के साथ मैंने मीटिंग किया, वीडियो दिखाया और अधिकारी को वीडियो भेजा, जिसमें आज यह बदलाव देखने को मिला है। वर्तमान में सीओ मैडम का ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पर 13 बच्चों के साथ 300 लोगों को फायदा हुआ। मैं सरोज परस्ते, ग्राम हरी सिंघौरी रैयत विकास खंड निवास, जिला मंडला, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।